हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाई है पालक की सब्ज़ी। आपने आलू पालक पालक पनीर तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन पालक की इस तरह से सब्ज़ी आपने नहीं बनाई होगी। चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि पालक की सब्ज़ी जो है बनाई है मैंने, वो किस तरह से बनाई है। तो ये मैंने करीब 200 ग्राम के लगभग पालक था, इसे अच्छी तरह से मैंने काट मतलब साफ़ करके धो कर के ले लिया था। तो इसे हम बारीक बारीक से करके इस पालक को सबको हम काट करके एक अलग बर्तन में ले लेंगे। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें लेंगे हम आधा कप बेसन। बेसन मैंने आधा कप लिया है और उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी या आधा चम्मच, और स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बेसन में, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और उसमें डाल देंगे हम पालक। बेसन में ही पालक को हमने डाल दिया है, और थोड़ा सा पालक जो है वो हमने बचा करके रखा हुआ है। वो आगे वीडियो में आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा। अब पालक को और बेसन को दोनों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि पालक और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक डाला हुआ है, इस वजह से पालक जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। तो हम इसे इस तरह से मसल मसल करके इसे हम बिल्कुल डो की तरह इसे हम बना लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें एक या दो चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे। ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे, बस एक एक दो दो चम्मच करके पानी डालेंगे। बस दो तीन चम्मच पानी ही इसमें हमने डाला है, और इस तरह से बिल्कुल मसल मसल करके इसका डो की तरह इसे बना लिया है। इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो इसके जो कोफ्ते हैं वो बनेंगे नहीं। तो ये इसमें हम पालक के कोफ्ते बना रहे हैं, तो इस तरह से हमने बना लिया है। आप जो चाहे वो आप आकार में दे सकते हैं, चाहे गोल बना लीजिए या चिपटा करके बना सकते हैं। तो गोल गोल करके हमने इसे कोफ्ते इसके बना लिए हैं, और इसे जब फ्राई करेंगे तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, और एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। तो जब नीचे से एक साइड से सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे, नहीं तो ये अच्छी तरह से नहीं पलट पाएगा। मतलब जो कुछ चिपक जाएगा नीचे में, तो इसके जो कोफ्ते हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे इसके कोफ्ते। और इसे इसी तरह से पलटते पलटते हम इसे हम सेक लेंगे, और इसे हम फिर जब सिक जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे, और बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरह से हम डाल करके और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए कोफ्ते जो हैं हमारे वो अब फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। तो एक एक करके हम इन सबको निकाल लेते हैं। तो सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और लेंगे कुछ लहसुन। तो 7 से 8 लहसुन है, तो इसे हम कद्दूकस करके या ग्रेटर पे ग्रेट करके हम इसे ले लेंगे, या खलबट्टे में डाल करके कूट करके भी ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, तो इससे जो मसाला जो बनेगा उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो जो कढ़ाई में हमने फ्राई करा था उसी में से और तेल हमने निकाल दिया है, 2 बड़े चम्मच तेल हमने इसमें छोड़ दिया है। इसमें डाल देंगे हम हींग, और जीरा डालेंगे 1 छोटा चम्मच, और जो अदरक और लहसुन को जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था उसको भी हम उसी तेल में डाल देंगे, और उसे हम फ्राई कर लेंगे, मतलब इसे भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसके साथ ही हम डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, और डाल देंगे उसमें 2 मीडियम साइज़ का प्याज था तो उसे मैंने बारीक बारीक से काट लिया था। उसमें डाल देंगे नमक हल्दी, और इसे हम भून लेंगे प्याज को। प्याज का जब कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर में आ जाए, तो उसमें जो पालक हमने बचा करके रखा हुआ था वो पालक हम उसी प्याज में डाल देंगे, और इससे हम भूनेंगे तब तक जब तक कि इसका भी कच्चापन न निकल जाए। अब उसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टमाटर। टमाटर आप चाहे तो इसमें स्किप भी कर सकते हैं। अगर ग्रेवी अगर और ज़्यादा मतलब ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ी चाहिए तो उसमें 1 टमाटर डाल दीजिए, और नहीं टमाटर डालना चाहते तो आप इसमें प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसे ये जब अच्छे से जब भून जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे, मतलब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम मिक्सी में हल्का सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्सी में डालकर इसे पीस लिया था, और इसका पेस्ट तैयार हो गया है। तब सेम हम उसी कढ़ाई को लेंगे, और उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल, और जो मसाला जो हमने पीस करके रखा हुआ था वो मसाला हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे, और उसे हम भून लेंगे। भुनने से उसके पहले हम उसमें डाल देंगे धनिया पाउडर,
तो 1.5 चम्मच हमने डाला है, और डाला है हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, क्योंकि मिर्च जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तीखा था और हरी मिर्ची भी हमने उसमें डाला था, इसलिए उसमें हम ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे। उसमें कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम ढक करके पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर इसमें हम एक जितना ग्रेवी चाहिए, जितना मतलब गाढ़ा चाहिए, जैसा पतला चाहिए, उस हिसाब से हम उसमें पानी डाल देंगे। तो पानी जो हमने उसमें डाला है वो हमने गर्म पानी डाला हुआ है, ज़्यादा बिल्कुल खौलता हुआ पानी नहीं डाला है, बस गर्म पानी इसमें डाला है। और उसमें फिर हम डाल देंगे कोफ्ते जो हमने बना करके रखे हुए थे, और फिर उसे हम ढक देंगे, और ढक करके और इसे हम 5 मिनट के स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, ताकि जो कोफ्ते हैं उसमें भी जो मसाले हैं वो सब भीग जाए वो मसाले से। तो सब्जी जो है वो हमारी बन करके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। ये पालक के कोफ्ते रोटी चावल या नॉर्मल जैसे लच्छा पराठा या पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे मैंने घर में बनाया था तो बहुत पसंद किया था, तो इसलिए मैंने इसे बनाया है। आप भी एक बार बनाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर से कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।